दुकानदार संघ की ई पास मशीन की तकनीकी समस्या को दूर करने की मांग को लेकर 8 अप्रैल को तहसीलदार के कार्यालय में ई पास मशीन जमा कर दी गई। संस्था की ओर से 10 मार्च को अमरावती के उपायुक्त और 24 मार्च को जिला आपूर्ति अधिकारी अकोला को पोस्ट मशीन और खाद्यान्न वितरण की तकनीकी कठिनाइयों के संबंध में एक बयान प्रस्तुत किया गया। प्रशासन अभी तक सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ई पास मशीन की तकनीकी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। 4G के युग में मशीन में अभी भी 2G सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही सर्वर हमेशा डाउन रहता है। राशन कार्ड का KYC धारकों को रद्द न करे, मूर्तिजापुर सस्ता अनाज दुकानदार संघ की ओर से तहसीलदार को आज POS मशीन सरकार को सौंपने के लिए एक बयान जारी किया गया था, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि प्रशासन अभी तक इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। इस तरह 4G के युग में मशीन में अभी भी 2G सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, सरकार ने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते इस मुद्दे को लेकर निवेदन सौंपा गया। इस दौरान जिला कार्यकारी अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष कैलाश महाजन, जिला उपाध्यक्ष गजानन बोर्डे जैसे उचित मूल्य के दुकानदार मौजूद रहे। 10 मार्च रोजी अमरावती येथील विभागीय मीटिंग मध्ये ठरलं होतं की ई पॉस मशीन काम करत नाही आहे आणि दुकानदारांना नाहक त्रास होत आहे, कार्डधारकांना सुद्धा याचा त्रास होत आहे। ठरल्याप्रमाणे पुऱ्या महाराष्ट्रात 10 तारखेला ई पॉस मशीन जमा करण्यास ठरलं होतं। 10 तारखेला सुट्टी असल्यामुळे आज मूर्तिजापूर तालुक्यात सर्व दुकानदारांनी आपले ई पॉस मशीन माननीय तहसीलदार साहेब यांच्याकडे जमा केलेले आहेत व आता पुढील कारवाई शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे होईल, याची दखल घ्यावी व शासनाने पुढील त्वरित कारवाई करून नव्या 4G किंवा 5G मशीन अवेलेबल करून द्याव्या ही आम्हाला शासनाला विनंती करायची आहे। याद्वारे आम्ही कार्डधारकांच्या वतीनं व आमच्या दुकानदाराच्या वतीनं हे निवेदन सादर केलेलं आहे। आज दिनांक 8/4/2022 आमच्या पॉस मशीनं या तहसीलदार साहेब यांच्याकडे जमा करण्यात आलेलं आहे। माननीय संघटनेचे पदाधिकारी सर्व उपस्थित आहेत आणि महाराष्ट्राचे पदाधिकारी यांना दिनांक 11/4/2022 मंत्रालय येथे या मशीनबाबत बोलावलेलं आहे। त्याकरता आज आमचं आंदोलन आज ठरल्याप्रमाणे आम्ही मशीन जमा करत आहे आणि पुढील कारवाईसाठी निवेदन पण देत आहे। धन्यवाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।